गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रतिभा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी फेवरेट चैनल क्लोज टू नी। आज 22 मार्च और समय है 6:45 और आज के दिन जनता कर्फ्यू 7 से शुरू होने वाला है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ। और इवन आज ही नहीं, आगे भी अगर ये बढ़ता है तो मैं फुल कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, मैं और हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, सभी लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी यही चाहते होंगे, क्योंकि इसके बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि हम बाहर ना निकलें। इवन 15 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था, हमने उसको भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। हमने तो होली के बाद से ही, होली भी बहुत कम खेली, बाहर निकलना बंद किया हुआ है। मुझे और हस्बैंड को जाना ही पड़ता था क्योंकि जॉब थी, और जब से वो बंद हो गया है, जब से हम घर से निकल ही नहीं रहे, सिर्फ कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो आप सब भी ऐसा ही करिए और प्रॉपर मास्क, ग्लव्स लगाकर ही बाहर निकलिए और अपने सैनिटाइज़र से हाथ साफ करते रहिए। मैंने अपनी मेड की, गाड़ी वाले की, न्यूज़पेपर की, इन सब की छुट्टी कर दी है। मेड को एडवांस पेमेंट दे दी है क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है और मुझे भी उसकी फिर से ज़रूरत है। और उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, साथ में एक सैनिटाइज़र भी उसको दिया है क्योंकि वो लोग इन चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, उसका भी परिवार है। तो साथ साथ में मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू भी दे रही हूँ और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस समय, उसके बारे में बात भी कर रही हूँ। और एक और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, जो स्टोरेज कर रहे हैं, एक्सेस स्टोरेज, प्लीज़ प्लीज़ ये ना करिए, क्योंकि इससे जो चीज़ आप ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं उससे बाकी लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये देखो, देश प्रेम दिखाने का समय है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना चाहिए उतना सामान ले लीजिए, ठीक है, 15 एक महीने का सामान आप ले लीजिए। लेकिन जो स्टोर एक्सेस कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इस तरह का काम ना करिए, गरीबों पर बहुत मार पड़ती है इसकी, जो डेली बेसिस पर अपना सामान खरीदते हैं। कितने लोगों को तो मेड को छुट्टी तो कर दी लोगों ने, पर उनकी पेमेंट नहीं देंगे कि काम नहीं तो पैसा नहीं, प्लीज़ वो भी ना करिए, वो कहाँ से लाएंगे। और जब आप बाहर नहीं निकलेंगे ना तो आपका खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, उसकी पेमेंट का आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से निकल गई। ये मैंने अपने सारे प्लांट्स जो हैं इधर शिफ्ट कर दिए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं होली के टाइम से ही लगी हुई थी, टमाटर लगे हुए हैं और मैंने ये सब काम किया। पर इस समय थोड़ा सा मैं ये एनर्जी वाला ज़्यादा काम नहीं कर रही, वीडियो ही बना रही हूँ सिर्फ, ये छोटी छोटी काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को सेव करके भी रखना है। इस पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, भगवान करे ना आए, और हम लोग अगर सहयोग देंगे, अंदर ही रहेंगे तो टल भी जाए, लेकिन फिर भी हमारी इम्यूनिटी ही हमें इससे बचाएगी, तो हमारे अंदर कम से कम एनर्जी रहनी चाहिए। तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रही, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रही, वेस्ट तो नहीं कहूँगी इसे, तो मैं ज़्यादा, कितने सारे, कितने अच्छे टमाटर हैं, मेरे टमाटर ख़त्म हो जाएंगे, बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहीं से यूज़ कर लूँगी। कल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कितना क्लीन, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है अपना, हमारे पास में सोसाइटी, अपना इनक्लेव, वो भी दिख रही है। फिर मैंने कहा ये फैक्ट्री थी बीच में एक, वो टूट गई इसलिए अपना इनक्लेव दिख रहा है, और आप आज घर में हो इसलिए भी दिख रहा है, क्योंकि कभी रहते ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पर कहीं ना कहीं वो भी सही है क्योंकि पॉल्यूशन कम हुआ है वर्क फ्रॉम होम से, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो पॉल्यूशन तो कम हुआ है। कुल मिलाकर मेरा इधर का व्यू ये है ऐसा देखने में। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय एंड टेक केयर।